तथागत बुद्ध ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा कि लोहिच विश्व में ये तीन प्रकार के गुरु होते हैं जिनके ऊपर दोषारोपण किया जाता है। तो तथागत बुद्ध की बात सुनने के बाद लोहिच यह तथागत बुद्ध से कहता है कि लेकिन तथागत, क्या विश्व में इस प्रकार का भी कोई गुरु होता है जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगाया जा सकता है? तब तथागत कहते हैं कि हाँ लोहिच, विश्व में एक ऐसा गुरु है जिस पर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगाया जा सकता है। लोहिच कहता है कि हे तथागत, वह किस प्रकार का गुरु है? तो ऐसा गुरु जिसने सत्य पर विजय प्राप्त कर ली हो, अर्थात सिद्धांत, विचारधारा और उद्देश्य को अच्छी तरह वह जानता हो, उस सिद्धांत, विचारधारा और उद्देश्य के अनुरूप अपना आचरण करता हो, शील का सूक्ष्म विवरण जिसका वह पालन करता है, मतलब किसी विषय पर उसकी सूक्ष्म विश्लेषण क्षमता हो, हृदय का विश्वास जो वह अपने व्यवहार द्वारा प्राप्त करता है, इसका मतलब है कि अपने सिद्धांतों पर दृढ़ विश्वास हो और उसी के अनुरूप वो अपना आचरण करता हो। अपने सिद्धांतों पर उसका दृढ़ विश्वास भी होना चाहिए और उस दृढ़ विश्वास के साथ उसका आचरण भी होना चाहिए। इसे ही तथागत बुद्ध हृदय का विश्वास कहते हैं, जिसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण हो, वह सावधान और आत्मलीन हो, मतलब दुश्मनों द्वारा किए गए षड्यंत्रों से सावधान हो और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में तल्लीन हो, उसका सादगी भरा जीवन हो, उसके मन में भौतिक सुख सुविधाओं की लालसा नहीं हो, उसका स्वभाव संयमित हो, उसका स्वभाव असंयमित, आलस्य, चिंता और विमूढ़ता का नहीं हो, उसके पास दूरदृष्टि हो, उसके मन में लोभ, मोह, माया नहीं हो। एक गुरु में इन सभी प्रकार की विशेषताएं होनी चाहिए, तभी वह गुरु कहलाने लायक होता है। इन विशेषताओं को बताने के बाद तथागत बुद्ध कहते हैं कि लोहिच, गुरु चाहे कोई भी हो, जिस गुरु के अधीन शिष्य उच्च उत्कृष्टता को प्राप्त करता है, ऐसे गुरु पर विश्व में कोई दोषारोपण नहीं कर सकता। गुरु चाहे जैसा भी हो, लेकिन अगर उसके अधीन शिष्य उच्च उत्कृष्टता को प्राप्त करता है, तो ऐसे गुरु पर विश्व में कोई दोषारोपण नहीं कर सकता, ऐसा तथागत बुद्ध कह रहे हैं। ऐसी गुरु की भर्त्सना नहीं की जा सकती है, ना ही ऐसे गुरु की भर्त्सना को न्यायोचित माना जा सकता है, ना ही उसका कोई समुचित आधार होता है। तो इस प्रकार तथागत बुद्ध जब बोल चुके, तो लोहिच ब्राह्मण ने तथागत से कहा कि किसी मनुष्य को कोई उसके सिर के बालों से खींच कर पकड़ ले और उसे उठाकर वापस भूमि पर बिठा दे, ठीक वैसे ही आपने पाप विमोचन स्थल पर गिरते हुए मुझे उठाकर वापस भूमि पर रख दिया है। हे तथागत, आपके मुख से निकले शब्द परम श्रेष्ठ है, जैसे कोई बिखरी हुई या फेंकी गई चीज को फिर से स्थापित करता है, छिपाए हुए को सभी के सामने प्रकट करता है, भटके हुए को सही मार्ग दिखाता है, अंधेरे में प्रकाश लाता है, ठीक उसी प्रकार तथागत ने मुझे विभिन्न रूपों में सत्य का ज्ञान कराया है और मैं भी सत्य और संग के लिए अपने पथ प्रदर्शक के रूप में तथागत बुद्ध की शरण जाता हूँ। हे तथागत, मुझे ऐसे शिष्य के रूप में स्वीकार करे जिसने आज से जीवन पर्यंत आपको अपना पथ प्रदर्शक बना लिया है। तो इस प्रकार साथियों, इस एपिसोड में हमने जाना कि तथागत बुद्ध ने विश्व में ऐसे तीन प्रकार के गुरु बताए जिनके ऊपर दोषारोपण किया जा सकता है, और साथ ही ऐसे गुरु के बारे में भी जानकारी दी है कि जिसे विश्व में श्रेष्ठ गुरु कहा जा सकता है,
और उस श्रेष्ठ गुरु के ऊपर किसी प्रकार का दोषारोपण नहीं किया जाता है। और अंत में लोहिच्च ब्राह्मण जो है उसका वो जो घटिया विचार था वो दिमाग से निकल जाता है और बुद्ध के प्रवचन को सुनकर उसके चित्त में परिवर्तन होता है और वो जीवन पर्यंत के लिए तथागत बुद्ध का अनुयायी बन जाता है। यह लोहिच्च सूक्त हमारा समाप्त होता है। अब ये गुरु के तीन प्रकार हमें पता चल गए। किस गुरु के ऊपर दोषारोपण किया जा सकता है वो हमें पता चल गया, किस गुरु के ऊपर दोषारोपण नहीं किया जा सकता ये हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि इस लोहिच्च सूक्त का वर्तमान की परिस्थिति में इसकी क्या प्रासंगिकता है। तब तक के लिए सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी।